देश में फैल रहे कोरोना महामारी को लेकर सरकार से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक सभी तरह तरह के उपाय कोरोना वायरस न फैले उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन लगातार देश के अंदर कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। मेरठ में भी यह आंकड़ा 68 हो चुका है, लेकिन उसमें से 15 लोग ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं, जबकि 2 के इलाज के दौरान मौत भी हो चुकी है। आपको बता दें, मेरठ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 68 हो चुकी है, जिसमें से 15 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत भी यहां पर हो चुकी है। पहली मौत 72 साल के बुजुर्ग की हुई थी, दूसरी मौत 54 साल के ताहिर नाम के युवक की हुई। डॉक्टर ने बताया कि ताहिर पहले से ही सांस की बीमारी का मरीज था और अभी हाल ही में जली कोठी पर हुए पथराव में शामिल भी था। पॉजिटिव पाए जाने पर उसको मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। यहाँ पर कल देर रात उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर ने बताया कि ताहिर शौचालय गया था, जब वहाँ से वह लौटा तो चक्कर खाकर पलंग के पास गिर गया और बेहोश हो गया। डॉक्टर ने उसको होश मिलाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसकी सांसें रुक चुकी थी। मेरठ में अब कोरोना से 2 मरीज की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर मेरठ के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। मेरठ का स्वास्थ्य विभाग लगातार हर संभव कोशिश कर रहा है मेरठ में कोरोना पॉजिटिव की संख्या में इजाफा ना हो, इसीलिए जगह जगह कोरोना संक्रमित लोगों की जांच की जा रही है और उन्हें क्वारंटाइन कराया जा रहा है। मेरठ के नोडल अधिकारी डॉक्टर विश्वास चौधरी ने कोरोना से हुई मौत की पुष्टि की है। मेरठ से संवाददाता शुभम शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना को लेकर क्या अपडेट है? कोरोना को लेके जो है, कल जनपद मेरठ के 42 सैंपल लगे थे, उनमें से कोई भी पॉजिटिव नहीं आया है, सभी निगेटिव हैं। सर, इसमें एक व्यक्ति की डेथ हुई है, क्या कोरोना? हाँ, कल देर रात जो है, एक जो हमारा कोरोना पॉजिटिव पेशेंट था ताहिर, उसकी डेथ हो गई है। सर, क्या ये वही पेशेंट है जो अभी जली कोठी में जो पथराव हुआ था, उसमें शामिल था ये? हाँ, ये वही है और ये पहले सांस की पुरानी बीमारी से पीड़ित था और उसी के चलते और साथ में इसकी डेथ। कब पुष्टि हुई थी कि इसकी? देर रात, आधी रात के आसपास। सर, पॉजिटिव की पुष्टि कब हुई थी? ये पिछले 4 दिन पहले।